हेलो शिनी गेमर्स, वेलकम बैक टू शिनी गेमिंग। सो गाइस, आज हम एक नया गेम ढूंढेंगे, उसका गेम प्ले देखेंगे, उसका रिव्यू देखेंगे। तो देखते हैं आज क्या है हमारे पास। तो ये पेड गेम का हम सेपरेट एक अलग वर्जन करेंगे वो बाद में। सो लेट्स सी, लिमिटेड टाइम के लिए अब कुछ दिख रहा है गाइस। बूम बीच, बहुत ही पुराना गेम, बहुत ही शानदार गेम, ब्रॉल स्टार्स, सब एक ही कंपनी के गेम्स गाइस। सो गाइस, ये देखते हैं आज, नंबर 3 है ये एडवेंचर में, तो ऐप स्टोर में अभी नंबर 3 पे है। सो लेट्स ट्राई दिस क्लॉडिक एडवेंचर्स। ओके, देखते हैं आगे क्या है। ये हो गया, ये हो गया रेट। सो टोटली फार्म बेस्ड गेम लग रहा है गाइस, लाइक आरपीजी रोल प्ले, टोटली रोल प्ले। लेट्स सी, काफी काफी हैवी गेम लग रहा है गाइस। अगर एक्स 180 GB का ही, तो हमारे 80 MB का था गेम। ओके, देखते हैं, फर्स्ट टाइम है तो मे बी। ओके ग्रेट। सो हमारे पास साइबेरियन हस्कीज, ऑडिबल्स। ओके सो गाइस, बेसिकली इधर एवलांच आया है और ये फंस गए हैं लोग, और ये हमें इनको हेल्प करना है ये टाउन को रीग्रो करने में। ओके, तो बेसिक कंसेप्ट तो हम समझ गए। ये भी डन, हर काम के लिए एनर्जी। ओके, ये फ्रेंड इज ब्रीथिंग, लेट्स टेक हिम इनसाइड। ओके सो हमने उसको बचा लिया, पॉल को, एक हेल्प हो गया है। सो फार्मिंग करना है गाइस। ओके सो बेसिकली आरपीजी गाइस, फार्मिंग, फिर एग कलेक्टिंग जो आपको राइट साइड में दिख रहा है, तो इजी। और फार्मिंग के लिए 3 गोल्ड कॉइन्स जाते हैं हमारे, ग्रेट सिंपल। ये हमारा कुरियर सर्विस वाला, जो भी हम ग्रो करेंगे यहाँ से, हम वो ऑर्डर प्लेस। ओके, ऑर्डर कंप्लीट करने के लिए वो बंदा है, ग्रेट। ये भी सिंपल ग्रेट। और उससे हमें एक्सपी मिलेगा, कॉइन्स मिलता है। ये भी सिंपल, बहुत ही सिंपल गेम, एकदम अच्छा लेआउट भी, ग्राफिक्स भी काफ़ी अच्छे। तो ये नीचे कुछ आया है, ये देखते हैं। ओके, ये मार्केट। ओके सो बेसिक मार्केट गाइस, यहाँ से हम चिकन काओ बाय कर सकते हैं, सो दैट हम उससे अर्न करें, एग्स जमा करें, मिल्क जमा करें। बेसिक गेम लॉक्स। ओके, ये कहाँ से मिलेंगे, बेसिक झाड़ को काटो, लॉक्स मिलेगा। 55 एनर्जी जा रहा है गाइस, देखो काफ़ी, मगर मिला भी कुछ अच्छा ही हमें। बिल्ड करते हैं बान, ग्रेट, हम लेवल 2 हो गए, इजी। बान में ये सब है। ओके, फीडर फॉर द चिकन्स, ये भी मिल गया, तो 2 बना लेते हैं। जेम्स, ग्रेट, फ्री स्टार्टिंग में, मुझे गेम्स स्टार्टिंग में काफ़ी अच्छे लगते हैं, जेम्स फ्री में देते हैं हमें। ये भी डन, मार्केट में जाते हैं, मार्केट में। ओके, फीडर, ये हमारा स्टोरेज है, मार्केट में हमारा स्टोरेज भी है और मार्केट हम बाय भी कर सकते हैं, तो सेपरेट दोनों एक ही इसमें दिया है, ग्रेट, एक ही प्लेस में, तो कन्फ्यूजन नहीं। हार्वेस्ट बीन्स फॉर द गार्डन, ग्रेट। सो हमें टास्क मिलते रहते हैं और उस टास्क के हिसाब से हमें एनर्जी मिलेगा, हमारा लेवल अप होएगा और हमारा स्टार्स बढ़ेगा। ओके, ये भी डन, ग्रेट। बीन प्लांटेशन ऑर्डर कंप्लीट करते हैं गाइस, दोनों का ऑर्डर, एक एक करके ही ऑर्डर प्लेस होता है और एक एक करके ही ऑर्डर कंप्लीट होता है गाइस, तो एक ऑर्डर कंप्लीट और नया
नया मिला है हमें नया टास्क, तो नए टास्क में हमें बनाना है पान। ओके, वो भी देखते हैं, पहले ऑर्डर कंप्लीट करते हैं। अभी मिल्क चाहिए, तो सेंड मिल्क टू द गो, ओपन द टास्क लिस्ट, ग्रेट, ब्रेक द फ्रोजन क्रेट्स। ओके, मे बी ये काव पीछे है फ्रोजन गेट्स के, जैसे आपको पता है स्टार्टिंग में एवलांच आया था, उसके वजह से हम यहाँ पे आए इनको हेल्प करने। तो बेसिकली हमें इन्हें हेल्प करना है, इन्हें वापस नॉर्मल रूटीन पे लाना है। ग्रेट, क्लेम मिसिंग काव, आई फाउंड द मिसिंग काव, फनी स्टोरी, ये क्या है? ये कुछ क्या है, इसे बचाना है? ये तो गया नहीं, ये कुछ बोरिंग है गाइस, ये कैंसिल करते हैं, इसे बाद में देखेंगे। प्लस ये स्टोरी हमने कंप्लीट किया होता तो हमें एनर्जी जेम्स एंड रिवॉर्ड्स मिलते, वो हम बाद में देखेंगे। वैसे तो हम थोड़ा गेम समझ लेते हैं। ये भी डन, लेवल हमारा थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है गाइस। डिलीवरी ऑन द वे, आपको राइट साइड में दिख रहा है डिलीवरी, हमको दिखाता है कि कैसे कंप्लीट हो रहा है, कितना टाइम लगेगा। ग्रेट, लेवल अप। सो हर लेवल अप के साथ हमें अलग अलग नया, शायद नया ओपनिंग मिलता है, लाइक नया एक कैबिन मिला, अब ये नया रे फील्ड मिला, तो हम खरीद सकते हैं मार्केट से अलग अलग चीज़ें। नीचे देख सकते हैं आप, लेफ्ट साइड में एक्सक्लेमेटरी मार्क आया है, पाइन थिंग्स, ये भी डन। फार्मिंग करते हैं थोड़ा, ग्रेट, इजी, बहुत ही इजी। कीप कंप्लीटिंग ऑर्डर्स, स्टार्ट मेकिंग बर्ड फीडर, ओके, एक फीडर बनाते हैं। सो गाइस, इसमें वाटर बना सकते हैं, तो ये बान में तीन चीज़ें हैं, फीडर, वाटर और हे, जो काउ के लिए लगेगा, ये चिकन के लिए लगेगा, ये वाटर अभी देखेंगे आगे कब लगेगा, बट लगेगा, तो हम याद रखेंगे कि वाटर यहाँ बनता है। ये भी डन, लेट्स सी, नहीं, और सारे चीज़ मूवेबल है गाइस, ये बान मूवेबल है, अभी ये कैबिन मूवेबल था। तो गाइस, अब हम गेम में थोड़ा आगे आ गए हैं, अभी मैं खेल रहा हूँ काफ़ी टाइम से, 6-7 घंटे से खेला ये गेम, अभी आप देख सकते हो मेरा लेवल 8 हो चुका है। अभी बान, आप देख सकते हो मेरे पास पहले सिर्फ बान था, अब ये मैंने बहुत कुछ ऐड किया है। ये हमारा फार्मिंग, मैंने थोड़े फार्म बेड्स भी ऐड कर चुका हूँ। अब मैं ये बिल्ड करता हूँ पॉटरी के लिए, ये भी डन। ऑर्डर बोर्ड देखो गाइस, अब ऑर्डर बड़े बड़े होते जा रहे हैं, तो हमें सेव करना है और फिर डिलीवर करना है, तो टाइम कंज्यूमिंग हो गया है, और उस हिसाब से हमें हमारा एक्सपी भी बढ़ता है, हमारा कॉइन्स भी बढ़ता है। ये भी डन, ओके, ऑर्डर बोर्ड कंप्लीट। दो ऑर्डर अभी हम डिलीवर कर सकते हैं, तो एक ऑर्डर तो हो गया, सेकेंड ऑर्डर ऑन द वे। थोड़े रे प्लांटिंग, पोल्ट्री यार्ड, जो 6 मिनट्स में हमें एग्स मिलते, 6 मिनट्स, मिल्क हमें 4-5 मिनट्स में प्लस 1 होता है, तो ग्रेट, वो भी इजी। ये 100 मिल, यहाँ पे आप वुड बना सकते हो, जो वुड हमें अलग अलग चीज़ें के लगते हैं, ये ब्लू, यहाँ ग्लू, तो हर एक, अभी ये 100 मिल में ये सब बनता है, तो हर एक जगह पे 4-5 चीज़ें अलग अलग बनती है, तो हमें वो सब याद रख के अल्टीमेटली वो बाद में यूज़ करना होता है। तो ये भी डन, एनर्जी ऐसे कभी तो वेस्ट हो जाता है, किधर भी क्लिक किया तो एक गड़बड़ हो जाता है। तो देखो गाइस, मैं वाटर बोला था आपको थोड़ा देर पहले, वो वाटर अब हमें यहाँ यूज़ करना है, तो ये ओर से हम अप्लाई टू द फ्रोजन फ्रेंड्स, नहीं अभी नहीं। तो देखो गाइस, 1 मिनट का टाइम लगता है ये प्लांट्स ग्रो होने के लिए, तो ये भी अच्छा है, काफ़ी बेसिक। अब देखो ये चैप्टर्स है गाइस, ये मैं तो फर्स्ट चैप्टर में, फर्स्ट लेवल भी अभी तक ओपन नहीं हुआ है हमारा, ये बेसिक होम, तो ये सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स है गाइस, 10th, 11th, 12th, ये लास्ट चैप्टर है 12th चैप्टर, तो काफ़ी बड़ा गेम है गाइस, काफ़ी लंबा प्रोसेस, बेसिक से नॉर्मल से चालू होना है, लाइक टाइम पास गेम, हमें बस फॉलो करना है
कि ये कैसा है वो कैसा है, नॉर्मली आगे बढ़ते जाना है और हमारा किंगडम, आप किंगडम बोल सकते हो इसको अल्टीमेटली, ये आपका किंगडम है, आपको इसे संभाल के इसे बड़ा करना है। तो हमें अल्टीमेटली गेम हल्लू 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 आगे आगे बढ़ता जाता है। मुझे ये गेम का ग्राफिक्स काफ़ी अच्छे लगे गाइस, क्योंकि हर एक डिटेल आपको दिखता है, आप देख सकते हो कैरेक्टर के डिटेल्स बहुत ही अच्छे, एकदम डिफरेंट। ये भी डन। और गाइस आपने हेडे, ये नॉर्मल फार्मिंग गेम है, ये हेडे टाइप जो भी फार्मिंग गेम्स आके गए फेसबुक पे खेला होगा काफ़ी, वैसे ही हमें बेसिकली सिर्फ काम करना है, नॉर्मली फॉलो करके काम ख़त्म करते करते आगे जाना है, काम ख़त्म करते करते आगे जाना है, नेक्स्ट लेवल नेक्स्ट स्टेज में वैसे हम जाएंगे। ये भी डन। ओके सो ये हमारा स्टोरेज है गाइस, यहाँ पे सब कुछ जो भी हमारे पास है जो भी कलेक्टेड है और उसके इन्फो दिखते हैं। लाइक उस पर क्लिक किया तो देखो ये ट्राई आइस, ये सब आगे आगे लगेंगे हमें, तो ये है ये है ये भी हो गया, ये अलग अलग हमारे पास रहते हैं। और जो अभी मैंने आपको दिखाया वो एक आदमी होता है, उसे बेच के हम पैसे जमा करते, तो हर एक टास्क के बाद हमें कुछ ना कुछ मिलता है, उधर डिग किया तो कभी कुछ आर्टिफैक्ट मिल जाता है, तो वो बेचने के लिए एक आदमी, वो मैं ढूंढता हूँ उसे, यही कहीं होगा। तो गाइस देखो ये लाइट हाउस में हम ब्लूबेरी सिरप बना सकते हैं, तो वो हमें हमारा पावर बढ़ाने या जो एनर्जी आपको दिख रहा है ऊपर वो वहाँ पे यूज। और मैं जो बोल रहा था आपको ट्रेडर, यहाँ से हम थोड़ा कैश कमा सकते हैं या कॉइन्स कमा सकते हैं इसे बेच के, अभी तो कुछ दिख रहा नहीं है बेचने के लिए, तो वो भी ठीक है। सो ऐसा अलग अलग है, ये मर्चेंट शिप, अभी हमको दूसरे स्टेज में जाना है तो हमें शिप लगेगा यहाँ से बाहर ट्रैवल करने, तो उसके लिए हमें आगे ये कलेक्ट करना है। तो नेल्स तो मिल गया हमें बैक टू होम, नेल्स से हम देखते हैं क्या काम है हमारे पास अभी। तो टेंट के लिए नेल्स लग रहे थे, ग्रेट ये भी डन। सो गाइस गेम बहुत ही बेसिक गेम, बहुत ही अच्छा गेम, नॉर्मल नाइस लेआउट, ग्राफिक्स भी काफ़ी अच्छे काफ़ी सिंपल, और हर टास्क के बाद हमें बताते हैं कि क्या करना है कैसे करना है, ईजी गेम। ये भी डन, लेवल 8 लाइस, 8 घंटे 6 घंटे में लेवल 8 का, तो अगर आप कंटिन्यूसली खेलोगे तो लाइक एक मंथ में 100 लेवल ईजी क्रॉस। मगर जैसे आपका ये बढ़ते जाएगा वैसे लेवल बढ़ते जाएगा वैसे टाइम भी ज़्यादा लगते जाएगा चीज़ों के लिए, स्मृति अभी इसको डबल ट्रिपल अपग्रेड आने लगे, एक एक चीज़ को 3 बार अपग्रेड करने के बाद वो कुछ काम करना चालू करते हैं। पॉटरी जैसे अभी ये स्मृति में देखो, हमें नेल्स बनाने के लिए पानी लगेगा, आयरन और लगेगा, उसके लिए अलग वो याद रखना पड़ता है हमें कि ये उधर मिलता है ये उधर। तो बेसिक काफ़ी ईजी है, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क्स भी है आपको बताने के लिए कि वो कहाँ मिलेगा ये कहाँ मिलेगा। अभी ये कैंप फायर बना सकते हैं हम, फायर बना के स्टोर कर सकते हैं। सो बेसिकली कुछ भी आपको आइस से कोई फेंस, अगर आइस से फ्रीज हो गया है तो हम वो फायर से यूज़ कर सकते हैं। सो काफ़ी इजी गेम गाइस, मुझे अच्छा लगा, बेसिक गेम, टाइम पास खेल सकते हो आप, और मैं ये गेम को 7/10 स्टार्स दूंगा बेस्ड ऑन दी ग्राफिक्स गेम प्लेट। बहुत ही बड़ा गेम ये सेटिंग्स, नॉर्मल सेटिंग, आपको बोलूँगा आप गेम ट्राई कीजिए अलग अलग गेम, मैं हमेशा बोलता हूँ गाइस अलग अलग गेम ट्राई कीजिए, तो हम तो आपको समझेगा कि बहुत सारे अलग अलग गेम्स आए हैं मार्केट में। और गाइस आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।